नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। ओपन सिग्नल में आज मोदी कैबिनेट एक्सपेंशन में नीतीश के सुझाए एक नाम पर ऐतराज की बात। केंद्र की मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। यूं समझिए कि सत्ता क्रिकेट मैच की तरह है, यहां चुनाव में भी क्रिकेट की तरह ही हार जीत से फैसला होता है। लेकिन मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का मोह किसी से नहीं छूटता। लेकिन इसी बीच एक सवाल ये भी है कि क्या आखिरी वक्त में फिर से जदयू की एंट्री में पेच फंसेगा। आरसीपी सिंह दिल्ली रवाना। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश के खासम खास आरसीपी सिंह दिल्ली रवाना हो चुके हैं। अब वहां जाने का मकसद क्या है ये तो वही जाने, लेकिन चर्चा है कि वो एक बड़े यक्ष प्रश्न का जवाब ढूंढने दिल्ली गए हैं, क्योंकि राह इतनी आसान नहीं है जितना अनुमान लगाया जा रहा है। समझने के लिए आपको नीतीश कुमार का समीकरण देखना होगा। नीतीश की पसंद के ये हैं पांच नाम। खबरों की माने तो नीतीश इस बार केंद्र में अपने पांच मंत्री चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में जदयू बीजेपी ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में नीतीश की ख्वाहिश भी उसी हिसाब से है। पांचों नामों की बात करें तो उनमें आरसीपी सिंह, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, संतोष कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और चंदेश्वर चंद्रवंशी हैं। क्या नीतीश की पांच मंत्रियों की मांग मानेंगे मोदी? सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न भी यही है, क्या नीतीश की पांच मंत्रियों की मांग पर मोदी तैयार हैं? सूत्रों के मुताबिक इस बार नीतीश को दो मंत्री पद ऑफर किए जा सकते हैं। अब ऐसे में नीतीश पर यह तय करने के लिए छोड़ दिया जाएगा कि जदयू से वो दो नाम कौन होंगे। नीतीश ले सकते हैं चौंकाने वाला फैसला। हालांकि ये सिर्फ एक गणना है, लेकिन अगर जो सूरत सूत्रों के मुताबिक दिख रही है तो फिर नीतीश के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि तीसरे नंबर पर आने के बाद वो किसी भी जाति की नाराजगी मोल लें। संगठन में कुर्मी कोयरी समीकरण बैठाने को लेकर नीतीश विरोधियों के निशाने पर भी हैं। ऐसे में नीतीश ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई भी बुरा माने। हो सकता है कि दो मंत्री पद को भी नीतीश फिर से सांकेतिक हिस्सेदारी ही बता दें। 2019 में जदयू ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से कर दिया था इनकार। 2019 में 303 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करने वाली बीजेपी की सरकार में जनता दल यूनाइटेड ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। तब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में एक को मंत्री बनाए जाने से नाराज होकर अंतिम समय में मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि तब कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी मंत्रिमंडल में जदयू से राज्यसभा सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह और सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। लेकिन तब मंत्रिमंडल में सिर्फ एक सीट ऑफर किए जाने से नाराज होकर नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया था। नीतीश ने कहा था सांकेतिक हिस्सेदारी नहीं चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार की 40 सीटों में से 34 सीटों पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। शेष 6 सीटों पर रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति के उम्मीदवार खड़े हुए थे। इसी वजह से नीतीश कुमार केंद्र में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में ज्यादा हिस्सेदारी की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि 6 सीटों पर लड़ने वाली लोक जनशक्ति पार्टी को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। तब रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में शामिल हुए थे। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार यह चाहते थे कि उनकी पार्टी से कम 3 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।